तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैमरा के बारे में जो कि मुझे चोर बाजार से मिला था मात्र 300 रुपये में। ये वीडियो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है। ये कैमरा है याशिका इलेक्ट्रो 35 और ये कैमरा दिखने में बहुत ही ढासू लगता है। इस कैमरा की खूबी यह है कि ये कैमरा कम से कम 60-70 साल पुराना है। इसके साथ मुझे चोर बाजार से ये दो लेंसेज भी मिले थे, एक लेंस है टेलीफोटो और एक है वाइड लेंस। और इस कैमरा की अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें शटर के लिए अलग से बटन है, ये रीलोड करके आप उधर से क्लिक कर सकते हो और ये घुमा के उसके अंदर का जो रोल है उसको आप सही से सेट कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू फाइंडर है और इसको रेंज फाइंडर कहते थे तभी। और ये फोकसिंग रिंग है, इससे आप फोकस कर सकते हो। एक अपार्चर की रिंग भी आती है और ये टाइमर है क्यूट सा। इस टाइमर को चालू करते ही ये टिक 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 होना शुरू हो जाता है। तो इतने अच्छे कैमरा को मुझे नहीं पता कि डिसकंटिन्यू क्यों किया है। और आजकल बहुत सारे लोग हैं जो वापस पुराने कैमरास की जो बिल्ड क्वालिटी थी या फिर उनके दिखने की जो तरीके थे उसे वो फिर लेके आ रहे हैं और मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इस कैमरा को मैंने चोर बाज़ार से 300-400 या 200 रुपये में कभी तो ख़रीदा था और तब से ये कैमरा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कैमरा मुझे हमेशा इंस्पायर करता है और इसके आगे की जो लेंस थी वो मैं अपने DSLR पे लगा के भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक बहुत ही पुरानी फिल्म की तरह जो लुक आता है वो दिखता है। इस कैमरा का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा सही है, कैमरा बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत अच्छा कैमरा है। इसकी बैटरी मैं एक दिन कभी तो ख़रीदना चाहूँगा और इस कैमरा को ठीक से इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन इसकी बैटरी बहुत रेयरली मिलती है और मिलती है तो महंगी मिलती है। और इस कैमरा में एक और प्रॉब्लम हो गया कि जब मैंने इसको खोलने का ट्राई किया था स्टार्टिंग में तो वो खुलता था, लेकिन बाद में मैंने उसको 4-5 बार फटाफट खोला तो वो खुलना ही बंद हो गया। तो शायद से मुझे इस कैमरे की सर्विसिंग करवानी होगी, लेकिन ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और क्या कहूँ मैं यार, ओल्ड इज़ गोल्ड यार, वो तो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।